सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही कम समय में बनने वाली चावल के आटे की इडली बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सच मानिए, ये इडली खाने में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बिना किसी झंझट के हम इसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सामान के साथ बना के तैयार करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीबन ये चावल का आटा। चावल के आटे को हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं, साथ ही हम ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने जिस कप से चावल का आटा लिया था उसी कप से 1 कप के करीबन ये सूजी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सूजी बारीक वाली ऐड की है, आपके पास छोटी बड़ी जो भी सूजी के दाने हो आप उसे 1 कप ऐड कर सकते हैं। साथ ही सेम बाउल से हम ऐड कर लेंगे 1/4 कप के करीबन दही। आप दही की जगह माठे या फिर छाछ का भी यूज कर सकते हैं। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे दही ऐड किया था तो ये आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। जिस कप से हमने चावल के आटे को लिया था उसी कप का हमें मेजर का यूज करना है, तो उसी कप से हम ऐड कर लेंगे 1 कप के करीबन पानी। पानी हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि बैटर जो है हमारा वो थिक बनेगा, पतला बैटर हमें इसका नहीं बनाना है। तो 1 कप ही हमने पानी यहाँ पे ऐड किया है, उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका थिक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर पहले हमें थिक ही बनाना है, अगर आपको बाद में लगे बैटर थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला कर सकते हैं। तो बैटर हमारा देख सकते हैं तैयार है, अब हम इसे कवर करके रेस्ट होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम इसे एक बार खोल के चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बैटर है काफी अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसे रेस्ट होने के लिए आप जरूर रखें, तभी आप इसकी इडली बनाएं, तभी जो इडली है वो काफी सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। अब इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे इनो। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लेमन फ्लेवर का इनो ऐड किया है, आपने तो ब्लू पैकेट वाला जो इनो होता है ना उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इनो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 चम्मच ही ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम, जैसे इनो रिएक्ट कर सके। ज्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है एंड उसके बाद हम इसे काफी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हमें इडली बनाने से पहले ही इनो या फिर बेकिंग सोडा को ऐड करना है। हमें इनो या फिर बेकिंग सोडा को पहले से इडली के बैटर में ऐड करके नहीं रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनो को काफी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। मैंने 1/2 चम्मच ही ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड देख सकते हैं जो इडली का बैटर है हमारा काफी अच्छे तरीके से बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल से परफेक्ट है। चलते हैं इडली बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने जो इडली प्लेट्स हैं इनमें पहले से ही ऑयल डाल के रखा हुआ है, इसे काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रीस कर लेना है। इससे क्या होता है कि जो इडली है डीमोल्ड करने में काफी आसान हो जाती है। तो सारी प्लेट्स में हमें इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेना, उसके बाद हम इसमें इडली का जो बैटर हमने बना के तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स में अच्छे तरीके से ऑयल को ग्रीस कर लिया है। तो बैटर हमारा बनके एकदम से तैयार है, तो फटाफट से हम इसे प्लेट्स में ऐड कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बैटर हम ऐड करेंगे इडली प्लेट्स में उसे हमें ज्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब हमारी इडली स्टीम होगी तो वो काफी अच्छे तरीके से फूल जाती है। तो इसे फूलने के लिए स्पेस होनी चाहिए, इसलिए हमें आधा जो इसका प्लेट्स बने हुए हैं ना उसमें आधा ही बैटर को ऐड करना है, क्योंकि जब इडली फूलेगी तो अपने आप जो प्लेट है ना उसे कवर कर लेगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें जो इडली की प्लेट्स हैं इनमें बैटर को ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम कम बैटर ऐड किया है। तो जो बाकी के प्लेट्स हैं उसमें भी हम सारे बैटर्स को ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स में इडली बैटर्स को ऐड कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से बैटर को ऐड करने के बाद हम चलते हैं इसकी स्टीम करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर लिया है, इसमें हम ऐड करते हैं पानी। पानी की क्वांटिटी ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है ना उससे आधा ही हमें पानी ऐड करना है। उसके बाद इसमें हम सारे प्लेट्स को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे गैस पर डायरेक्ट पानी गर्म होने के बाद प्लेट्स को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इडली बनाती हूँ। सारे प्लेट्स हमने ऐड कर दिए, इसे अब हम कवर कर देते हैं एंड उसके बाद हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। बीच में हमें इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो 10 से 12 मिनट हो गए, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इडली जो है हमारी काफी अच्छी तरीके से फूल के ऊपर आ गई है, जैसे मैंने बताया था। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसमें एक चक्कू डाला है, आप स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। तो चक्कू हमारा एकदम से क्लीन निकल रहा है, यानी कि इडली हमारी अच्छी तरीके से स्टीम हो गई है। अब हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ एंड सारे प्लेट्स को
इडली स्टीमर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे जो प्लेट ठंडे हो जाएंगे तब हम इडली को डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स को बाहर निकाल दिया है एंड प्लेट्स जो है सारे लगभग ठंडे हो गए हैं। तो चलिए हम फटाफट से इडली को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने चम्मच की हेल्प से डीमोल्ड किया है एंड काफी आसान तरीके से बिना किसी झंझट किए कितनी आसानी से निकल आ रही है। देख सकते हैं जो प्लेट्स है इसमें भी एक भी इडली का बटन नहीं लग रहा है, यानी कि जो इडली है हमारी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये रुई जैसे सॉफ्ट इडली आप एक बार इसे खाएंगे ना तो ये रेसिपी आप बार बार ट्राई करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम सारे जो इडली की प्लेट्स है इसमें से इडली को डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी इडली को डीमोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी कितना स्मूथ है, यानी काफी ज्यादा स्पॉन्जी बनी है। तो चलिए मैं आपको एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ कि जो इडली हमारी वो देखने में ही नहीं बल्कि अंदर से भी काफी ज्यादा स्पॉन्जी बनी है। चलिए एक इडली मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो जो हमारी इडली है ना देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पॉन्जी है, देखने में ही एकदम से बहुत ही टेस्टी लग रही है एंड अंदर से तो देख ही सकते हैं इसमें कितनी एकदम जालीदार इडली हमारी बनके तैयार है। इडली तैयार है, चलते हैं चटनी बनाने की प्रोसेस में। उसके लिए हमने यहाँ पे मिक्सिंग जार लिया है, इसमें कुछ कच्ची कैरी ऐड कर लेंगे। इसे मैंने पहले से छील के छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था। ऐड कर लेते हैं धनिया की पत्ती, साथ ही ऐड कर लेंगे हम कुछ लहसुन की कलियां। यहाँ पे मैंने 3 से 4 ही ली है, साथ ही एक हरी मिर्च। हरी मिर्च बड़ी थी एंड तीखी इसलिए मैंने एक ही ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे आधा चम्मच के करीबन जीरा एंड स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ही नमक ऐड किया है। सबको ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी ऐड कर देते हैं जैसे इसको ब्लेंड होने में आसानी हो। उसके बाद हम इसे कवर करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो चटनी हमारी ब्लेंड हो गई है एंड देख सकते हैं काफी ग्रीन एकदम धनिया की चटनी बन के एकदम से तैयार है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आज इंस्टेंट इडली बनाई है इसके लिए मैंने इंस्टेंट चटनी भी चूज की है। तो आप मैंने इस तरह से इडली के साथ चटनी बनाई है, आप अपने मनपसंद की मूंगफली की नारियल की या फिर टमाटर प्याज की चटनी बनाकर इडली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे सांभर के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चटनी को हमने प्लेट्स में निकाल लिया है, तो अब हम चलते हैं इसकी सर्विंग करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी इडली है बन के एकदम से तैयार है। साथ इसके साथ मैंने ये हरे धनिए की चटनी बना के तैयार की है जो कि इडली के साथ काफी ज्यादा मजेदार लगती है खाने में। तो आप भी इस तरह से इडली बनाएं एंड इसके साथ अपने मनपसंद कोई भी चटनी बनाएं एंड इसे एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। देख सकते हैं इडली बनाना कितना आसान है, ये 10 मिनट में बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।